Redmi Note 5 Pro के लिए MIUI 12.5 बेस्ड एक चाइनीज़ बिल्ड आया हुआ है अरिजीत साह की तरफ से। ये एंड्रॉयड 11 पोर्ट रोम है और ये जो है काफ़ी ज़बरदस्त रोम है। इसके अंदर जो एनिमेशन है वो आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलेंगे। अभी के टाइम पे आपको कोई भी रोम इतनी स्मूद नहीं मिलने वाली, अभी के टाइम पे जो आ रही हैं वायरेड के लिए फ़िलहाल इतनी स्मूद नहीं रहेंगी। और एक चीज़ और बता दूँ कि ये रिपार्टीशन वाली ही बिल्ड है, यानी कि रिपार्टीशन आपको करना होगा उसके बाद ही इंस्टॉल कर पाओगे। अगर आप रिपार्टीशन नहीं किए हो फिर इसको इंस्टॉल मत करना, पहले रिपार्टीशन आप कर लेना। अगर ऑलरेडी कर रखे हो फिर इंस्टॉलेशन नॉर्मल रहेगा। पहले की एक वीडियो है मैं बना रखा था और डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, उसको देख करके आराम से इंस्टॉल कर पाओगे। इसमें कोई रिकमेंडेड रिकवरी ज़रूरत नहीं है। बट रोम फ्लैश करने के बाद बिट जी एप आपको एंड्रॉयड 11 का फ्लैश करना है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्ड अगर हम देखें तो MIUI 12.5 का ये 21.11.24 वीकली अपडेट का है। हालांकि यहाँ पे कोई अपडेट आया तो अपडेट मत करना, वीटा काफ़ी ओल्ड ओसे वर्जन है। एंड ओल्ड स्पेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये OC ओवरक्लॉक्ड आपको मिल जाता है, एंड्रॉयड वर्जन 11 है। सिक्योरिटी पैच आपको 1 दिसंबर 2022 की लेटेस्ट मिलेगी। कर्नल इसके अंदर डीगल का वर्जन 13 मिल जाता है। ओल्ड कैम कर्नल देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। और फिर बाहर में हम चलते हैं कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर में, तो यहाँ पे कास्ट वाला प्रॉब्लम आपको मिलेगा। वहीं वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर में क्या हुआ है लाइब्रेरी में, कि तो यहाँ पे आप देखोगे तो MIUI 14 के जो वॉलपेपर हैं वो आपको देखने को इसके अंदर मिलेंगे। इसके अंदर ऐड किए गए हैं MIUI 14 वाले जो वॉलपेपर अभी आए हैं साथ में MIUI 14 के, वो सभी वॉलपेपर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो लेटेस्ट वॉलपेपर जो है इसके अंदर ऐड किए गए हैं। हालांकि अगर हम विजेट थीम्स की बात करें तो थीम आपका कुछ इस तरीके से इंपोर्ट मिल जाएगा, थीम स्टोर चाइनीज़ वाला ही देखने को मिलेगा क्योंकि ये चाइनीज़ बिल्ड है, चाइनीज़ बीटा वाले से पोर्ट किया गया है। लॉक स्क्रीन में चलते हैं, टैप टू बैक आपका काम कर रहा है, चार्जिंग एनिमेशन मिल जाएगा, पॉकेट मोड है। एंड डिस्प्ले के अंदर में रीडिंग मोड कलर स्कीम काम कर रहा है, रिफ्रेश रेट हमारे किसी काम का नहीं है। एंड रोटेशन वर्किंग रहेगा। और फिर साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर में यहाँ पर जो साउंड इफेक्ट आपको मिलता है इसके अंदर में, इसका बग देखने को मिलेगा, ये काम नहीं करता। हालांकि इसके अंदर सोमी पार्ट्स भी ऐड हुआ है जो कि मैं आगे आपको दिखा दूंगा। नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में कंट्रोल सेंटर के लिए आपको मिल जाएगा ओल्ड एंड न्यू के लिए। और फिर स्टेटस बार है जिसमें कनेक्शन स्पीड आप इनेबल कर सकते हो, हाइड एंड नोच का दिया गया जिसमें आपका स्टेटस बार हाइड होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और वहीं अगर हम चलते हैं इसके होम स्क्रीन की तरफ तो होम स्क्रीन यहाँ पे जो लॉन्चर इसके अंदर है मोडेड वाला है। हालांकि सिस्टम नेविगेशन की बात करें तो एनिमेशन के मामले में तो दिक्कत नहीं होगा, काफ़ी अच्छा एनिमेशन है, काफ़ी लाइट सा लैग ही सिर्फ आपको मिलता है इसके अंदर, हैवी तो बिल्कुल ही नहीं है, लैग जो है काफ़ी लाइट सा काफ़ी कम है, यानी कि आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली एनिमेशन को लेकर के। ये काफ़ी अच्छा एनिमेशन, यहाँ पर दोनों बटन या जेस्चर यूज़ करो अच्छे से यूज़ कर पाओगे। और जैसे कि बताया यहाँ पे आपका मोडेड है, हालांकि सर्च बार आप जो है चेंज नहीं कर सकते, बट जितने भी ऑप्शन आपको मिलेंगे पूरा मोडेड वाला यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चाहे एनिमेशन स्पीड हो, एनिमेशन स्पीड को आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर पाओगे। और साथ साथ रीसेंट का कॉर्नर हो गया या फिर बाकी की जो कस्टमाइजेशन आपको मिलती है लॉन्चर के लिए वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसा कि कुछ अपडेट पहले भी बाकी रोम्स में दिखा था उसी टाइप से आपको यहाँ पे भी मिलता है। रीबूट लॉन्चर भी दिया गया है। अरेंज आइटम इन रीसेंट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे एनिमेशन स्टाइल भी चेंज कर सकते हो रीसेंट का, तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं इसके अंदर, जैसे कि ये पूरा मॉडर्न लॉन्चर आपको यहाँ पे मिलता है ये। और फिर सिक्योरिटी की बात करें तो फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक दोनों अच्छे से काम कर रहा है, कोई डिले का ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। एंड्रॉयड 11 इसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी की बात करें यहाँ पे जो ये सिक्योरिटी दिया गया तो आपका बिल्कुल सेम पहले जैसा रहेगा, बाकी में जैसा रहता है। बट ये रोम आपका देखोगे तो यहाँ पे आपके नॉट इंक्रिप्टेड देखने को मिलेगा, यानी कि फोन आप रोम जो है बाय डिफॉल्ट डिक्रिप्टेड है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन लेटेस्ट रहेगा। एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में तो बैटरी बैकअप यहाँ पे फिलहाल ठीक ठाक बैटरी मिल जाती है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं, यानी कि खराब वाला बिल्कुल नहीं मिलता, ठीक ठाक बैटरी रहेगी। और बिल्कुल अच्छी की अगर बात करें तो वो भी यहाँ पे नहीं रहेगी, यानी कि बिल्कुल अच्छी भी नहीं है और ख़राब भी नहीं मिलती है, तो बैलेंस में मिल जाएगी। और फिर ऐप्स की बात करें तो डुअल ऐप नहीं है, ऐप लॉक का यूज़ कर पाओगे। सिक्योर मोड इनेबल करोगे तो एप्लीकेशन को ये चेक करता है सभी एप्लीकेशन को। और फिर एडिशनल सेटिंग्स के अंदर लैंग्वेज दिखा दूँ, चाइनीज़ बिल्ड है तो यहाँ पर सिर्फ यही लैंग्वेज देखने को मिलेंगी और रीजन चेंज करने का नहीं रहेगा। बाकी यहाँ पे आपका स्क्रीन रिकॉर्डर की जो सेटिंग्स है यहाँ पे मिल जाती है, टॉगल के थ्रू आप इनेबल डिसेबल कर पाओगे, बाकी ये सेटिंग्स आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मेमोरी एक्सटेंशन 0 ही दिखाता है। और फिर यहाँ पे अगर हम बाहर चलते हैं इसके तो यहाँ पे बैक करते हैं, और बाहर में जाने के बाद यहाँ पे कुछ आपको जो है चाइनीज़ वाले जैसे कि वॉलेट वॉलेट के मिल जाते हैं, MIUI जो कि हमारे काम के हैं नहीं। स्क्रीन टाइम मिल जाएगा यहाँ पे, और बाहर में ही यहाँ पे स्पेशल फीचर देखने को मिल जाएगा जिसमें टैप प्लस चाइनीज़ में मिलता है, स्मार्ट टूल बॉक्स हो गया एंड फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पेस नहीं देखने को मिल रहा, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है इसके अंदर में।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें एबोल्ट को लेकर के, तो एबोल्ट भी वैसे आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का मिलता है। इसके अंदर जो विजेट्स मिलते हैं वो आपको MIUI 14 वाले कुछ कुछ विजेट्स ऐड किए गए, हालांकि चाइनीज़ में मिलता है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे पर्सनलाइज वाला ये जो विजेट्स है ये MIUI 14 में आया हुआ था, ये हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता था। ये कुछ विजेट्स इसके अंदर लेटेस्ट MIUI 14 वाले देखने को मिलेंगे, जैसे कि वॉलपेपर ऐड किया गया, इसी तरीके से विजेट्स भी। कंट्रोल सेंटर में आपको बिल्कुल भी लैग नहीं मिलता है, काफ़ी कम, ना के बराबर, यानी कि लैग होगा भी कभी कभार तो काफ़ी कम, जिसमें आपका बिल्कुल ही ना के बराबर लैग मिलता है। तो कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर हम देखें तो इसके अंदर वैसे Xiaomi पार्ट्स भी हमें मिल जाता है, जो कि FPS का तो मिल ही जाता है। जो MIUI 12 दिया गया है ये आपका Xiaomi पार्ट्स है, तो इसको सिंपली ऐड कर लेना। इस पे जब जाओगे तो आपको Xiaomi पार्ट्स अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें अगर हम बात करें इसके अंदर में तो स्पेक्ट्रम प्रोफाइल आपको मिल जाती है, जिसमें प्रोफाइल आप चेंज कर पाओगे, टच बूस्ट, थर्मल, ये सब दिया गया, डायरेक्ट साउंड काम कर, बट साउंड गेन के जो ऑप्शन है वो काम नहीं करते इसके अंदर में। और यहाँ पे जो वॉल्यूम पैनल है वो आपको कुछ इस तरीके का थ्री पैनल के साथ मिलता है। पावर मेन्यू के लिए थोड़ी देर आपको होल्ड करके रखना होगा, उसके बाद आपका पावर मेन्यू नॉर्मल जो है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अब ऐप ओपनिंग की बात करें तो फुल ऐप ओपनिंग एनिमेशन आपको मिलता है इसके अंदर, और यहाँ पे बता दूँ बिल्कुल एनिमेशन आपका स्मूथ तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हल्का लैग है। आपको लैग में यहाँ पे दिक्कत फिलहाल नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी हल्का, काफ़ी लाइट सा लैग इसके अंदर मिलता है ऐप ओपनिंग में भी अगर हम देखें तो। वहीं रैम की बात करें 4GB के अंदर 1.8GB तक फ्री मिल जा रहा है। अब यहाँ पे कैमरा जो दिया गया इसके अंदर, सबसे पहले तो आप डिवाइस वाटरमार्क को ऑफ कर देना, नहीं कैमरा आपका क्रैश करने वाला है, तो डिवाइस वाटरमार्क को ऑफ कर देना। उसके बाद पिक्चर क्लिक कर सकते हो, नॉर्मली पोर्ट्रेट मोड यूज़ कर पाओगे, बट इसके अंदर जो पैनोरामा मोड है उसका बग आपको मिलेगा, ये काम नहीं करता। एंड वीडियो क्वालिटी की बात करें तो ऐसे तो इसके अंदर 4K तक का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आप 1080 तक ही रिकॉर्ड कर पाओगे, 4K काम का नहीं है हमारे। और GCam यूज़ कर पाओगे, GCam में ऐसी कोई दिक्कत फिलहाल आपको नहीं मिलती, GCam आपका काम करता है। यहाँ पे आप पिक्चर क्लिक कर पाओगे, और इसके अंदर कुछ चाइनीज़ एप्लीकेशन भी मिलते हैं, हालांकि इनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, मैन्युअली आप आराम से अनइंस्टॉल कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि इसके अंदर रिस्टोर होते हैं कुछ एप्लीकेशन, तो आप रिस्टोर करोगे तब कुछ रिस्टोर ये भी होते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन के बारे में, जैसे कि गैलरी के बारे में, तो गैलरी के अंदर आपको स्काई देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर। आपको यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर ये आप देखोगे तो फिल्टर्स मिल जाएंगे सारी चीज़ें, बट इसके अंदर स्काई देखने को नहीं मिलता है। एंड यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन और आपके चाइनीज़ रहेंगे, जैसे कि म्यूजिक हो गया, FM की बात करें तो ये भी वैसे इसके अंदर चाइनीज़ में ही देखने को मिलते हैं, तो ये भी यहाँ पे चाइनीज़ में रहेंगे। आप देख सकते हो ये पूरा आपका चाइनीज़ वाला ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्योर चाइनीज़ बिल्ड सपोर्ट किया गया। और यहाँ पे अभी देखोगे तो अभी भी कुछ कुछ एप्लीकेशन रिस्टोर करने के लिए आएंगे, इन पर टैप करोगे तो रिस्टोर करने का आएगा, तो सिंपली रिस्टोर आप कर सकते हो, या फिर नहीं करना चाहते डायरेक्ट आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो इसको। वैसे इसके अंदर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके प्ले स्टोर के बारे में, तो प्ले स्टोर इसके अंदर हमारा बिल्कुल सर्टिफाइड आता है, प्ले स्टोर को लेकर के दिक्कत नहीं रहती, प्ले स्टोर आपका सर्टिफाइड है। सेफ्टी नेट बाय डिफॉल्ट इसके अंदर पास मिल जाती है। उसे गूगल इंस्टॉल करके बाद में टेस्ट किया था, ओके गूगल का बग है इसके अंदर, उसका बग रहेगा। कॉलिंग के अंदर में वॉल्टी काम करता है, कैरियर वीडियो कॉल का बग रहेगा, वाईफाई कॉलिंग भी इसके अंदर उसे काम नहीं करेगा। बाकी अगर हम बात करते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में, तो वो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। इसके अंदर जो AI कॉल असिस्टेंट दिया गया इसका यूज़ ना करो तो बेटर है, क्योंकि ये चाइनीज़ में सारी चीज़ें ट्रांसलेट या जो भी करता है यहाँ पे सब चाइनीज़ में सबटाइटल ये सब लिखता है, इसलिए इग्नोर ही करें। बाकी ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग काम करता है। ब्लूटूथ ऑडियो की बात करें तो मीडिया कॉलिंग दोनों पे आप यूज़ कर पाओगे, उसमें दिक्कत आपको नहीं मिलती। एंड इसका जो बूट एनिमेशन है थोड़ा टाइम तो लेता है, बट कुछ इस तरीके का जो है MIUI 12.5 का ही आपका बूट एनिमेशन मिल जाएगा, लेकिन जितनी बार रीबूट करोगे डिवाइस को तो यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरीके से एंड्रॉयड सिस्टम पॉपअप आता है, सिंपली इग्नोर कर देना इसको। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसके SD कार्ड को लेकर के, SD कार्ड इसके अंदर काम नहीं करेगा, तो इसको इसके लिए आपको सिंपली अपने कर्नल को चेंज कर देना है, तो आपका SD कार्ड फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें टूटू स्कोर, तो 197,342 आया लेटेस्ट वर्जन में, जैसे कि इसके अंदर ये ओवरक्लॉक्ड भी वैसे इसके अंदर है, तो ये कुछ इस तरीके का हाई स्कोर देखने को मिला है। हालांकि CPU थ्रॉटलेट अगर हम देखें तो रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा, बट ग्राफ अगर देखोगे तो काफ़ी हाई बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिला है। उसी तरीके से Geekbench स्कोर सिंगल 319 है, और मल्टी के अंदर 1082 तक जो है हमें यहाँ पे फिलहाल ये देखने को मिला है। और इसके अंदर एक प्रॉब्लम और है VGMI को लेकर के, क्योंकि VGMI इंडिया में बैन हुआ पड़ा और ये चाइनीज़ बिल्ड है, तो एक दिक्कत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी नेटवर्क इशू को लेकर के, ये एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी VGMI के अंदर में। अदर कोई खेलते हैं उन पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसे गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो चाइनीज़ वाले बिल्ड एनिमेशन के मामले में भी काफ़ी अच्छे हैं, और गेमिंग परफॉर्मेंस ओवरक्लॉक्ड वैसे इसके अंदर कर्नल है, तो गेमिंग भी आपको इसके अंदर वैसे काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। पहले भी चाइनीज़ बिल्ड का काफ़ी रिव्यू किया था, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, बट VGMI को लेकर के यहाँ पे दिक्कत रहने वाली, जैसे कि आपको ये बता दी ये प्रॉब्लम रहेगा इसके अंदर में। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पे मेन आपको देखने की ये
मिल जाता। तो फिलहाल यही था आज की इस वीडियो में, यही सारी चीज़ें थी जो कि हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो अगर आप दूसरा गेम खेलते हो तो ठीक है, बाकी तो यहाँ पे बीजमाई में आपको प्रॉब्लम मिलेगा ही मिलेगा, जो कि हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।